guys, welcome back to my channel, everyone, and good morning from Paro. And yeah, आज हम पारो छोड़ रहे and हम आज जाएंगे थिम्फू की ओर. पर उससे पहले हम जाएंगे भूटान का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल पास चेलेला पास, जो यहाँ से है 46 किलोमीटर. एंड गूगल बाबा बता रहे हैं कि हमें लग जाएगा डेढ़ से दो घंटा. तो चलो यार, अभी सुबह का 6 बज चुके हैं, तो हम तो सुबह ही उठे थे और फ्रेश अप होके अभी जस्ट करना क्या है कि हमें अपना सामान को पैक करना है, उसके बाद गाड़ी में जाके इंस्टॉल करना है, उसके बाद राइड स्टार्ट करना है. जैसे हम लोग चेलेला पास की ओर जा रहे हैं, यहाँ से चेलेला पास और 15 किलोमीटर है. एंड हमें 15 किलोमीटर आगे ही देखिए बर्फ मिला है, बर्फ मिल गया गाइस. यही उम्मीद करेंगे कि भाई आगे जाके तो और बहुत ही मतलब शानदार नज़ारा मिले बर्फ का. एंड फिलहाल तो यार बहुत ही मज़ा आ रहा है. देखिए वो स्लीप कहता. तो चलो यार, अभी ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग जाएंगे चेलेला पास की ओर. एंड उसके बाद हमें फिर थिम्फू भी रिटर्न होना है आज ही, तो लेट्स गो. अभी का सीन जो है कि बहुत ही खूबसूरत सीन है. देखिए यार ये नज़ारा को देखिए, और यार स्नोफॉल भी हो रहा है धीरे धीरे. Guys, finally we have reached Chele Pass. यार जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो हमें यहाँ पे मिल रहा है, स्नोफॉल. अभी भी स्नोफॉल हो रहा है धीरे धीरे धीरे, नहीं यार बहुत रफ्तार से हो रहा है. एंड देखे यार ये आज ही का है ये. हाँ देखो यार स्नोफॉल, वाह, सोचा नहीं था कि ऐसा यहाँ का नजारा मिलेगा हमें. अच्छा ये टाइम में यहाँ पे स्नोफॉल बहुत ही रेयर होता है. ये दुकान का जनाब ने बोला था. यस, कुछ बोलिए चले ला. वेरी वेरी कोल्ड, एंजॉय द टी. ओके थैंक यू. सो ये गाड़ी भी जनाब ने कुछ ऐसा बना रखा है, ये एक्चुअली गाड़ी है. एंड ये यहाँ पे दुकान सेटअप किया है, बहुत ही बढ़िया है. सब कुछ मिलेगा इधर है, इधर मेन्यू. ये मेन्यू है और यहाँ पे सब कुछ मिलेगा. तो फिलहाल हम चाय लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ का नजारा कैप्चर करते हैं. सो और यहाँ पे जो दुकानदार वाला भैया था उन्होंने बोला कि मतलब हम लोग लकी है. लकी इसलिए है क्योंकि रेयरली यहाँ पे जनवरी तक ही स्नोफॉल रहता है. एंड अभी अप्रैल है ये यार. अप्रैल में भी देखो यार हम बर्फ विटनेस कर रहे हैं यहाँ पे. मतलब गुरुदोंगमर का जो सपना था, एक्चुअली हम लोग का प्लान था गुरुदोंगमर राइड करने का, मगर गुरुदोंगमर फेल
एंड देखिए भूटान में हम लोग को क्या किया, सब कुछ दे दिया, गुरुदोंग मार वाले फीलिंग दे दिया, मतलब भगवान ने हमें हमारा सुन लिया। और आगे देखो, आगे का नज़ारा यार और भी बेहतर। हवेली दिखा, हवेली देखो, वो नीचे एक वैली दिखाई दे रहा है, वो है हा वैली। वहाँ पे भी हम लोग का जाने का तो प्लान था, मगर प्लान कैंसिल हुआ क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए आपको पास चाहिए और पास के लिए टाइम चाहिए, तो हम लोग ने उसको स्किप कर दिया है। मगर ये यहाँ तक आने में ही भाई इट्स रियली वर्थ इट यार, वर्थ इट। देखिए किस तरह से स्नोफॉल हो रहा है, देखिए बाप रे बाप। और देखिए विराट का, विराट का बाल में देखिए पूरा बर्फ, जैकेट में देखिए बर्फ, बर्फ ही बर्फ, चारों तरफ ही बर्फ, बर्फ। वाओ मजा आ गया, जो हम लोग ने मेहनत किया था उसका फल है ये फल। देखिए आगे का नजारा, सांस फूल रहा है। अब 12,000 फीट ऊपर है इसलिए यह हाल है, फिर भी कोई नहीं, जिगर में अभी भी दम है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि यार यहाँ का जो सिनेरियो है ना भाई, भाई साहब, भाई साहब, ओ माय गॉड, देखो भाई देखो यहाँ का नज़ारा, ओ हो, सोचा नहीं था यार, लाइफ में पहली बार ये एक्सपीरियंस है मेरा विथ स्नोफॉल एंड चारों तरफ ही स्नो माउंटेन। वाओ 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 स्ट्रीम। ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, जस्ट लुक एट दिस व्यू गाइस। कभी सोचा नहीं था यार भूटान आके ये भी एक्सपीरियंस होगा, एंड कैमरा में बार बार भाई साहब और विराट बताओ यार क्या महसूस हो रहा है अभी इस वक्त? मेरे को ये बोलना है कि भाई हाँ अब हो गया, अब चलो व्लॉग के भावना में मत बहो, चलो सही है सही है, ज़्यादा एक्साइटेड होना भी नहीं मांगता है नहीं भाई, ऑल गुड। देख के जाना पड़ेगा क्योंकि अभी विराट भाई थोड़ा स्लीप हो गए थे, और देख के नहीं चलेंगे तो अर्जुन भाई भी स्लीप होगा, तो भाई कैमरा को कुछ नहीं होना चाहिए। अभी हम ले रहे 2 cup ऑफ ब्लैक टी एंड 2 पार्ले जी, क्योंकि हमने सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो 12,000 ऊपर फिट आके ब्रेकफास्ट करना भाई कुछ अलग वाली बात होता है। तो सीन देखो, नज़ारा, हम लोग अभी वहाँ पहुँच के आए थे एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे ले रहे ब्रेकफास्ट, एंड अभी मौसम क्लियर होते जा रहा है, स्नोफॉल अभी रुक गया है, हल्का हल्का हो रहा है सिर्फ, तो अगर मौसम क्लियर होगा तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ का और जो व्यू है और क्लियर नज़र आएगा, क्योंकि देखिए भाई लैंडस्केप जो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया नज़र आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू डू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कॉमेंट कर देना, एंड इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्थी, बाय बाय।